नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सोनी और आप देख रहे हैं लाइव कोलकाता। जैसा कि हम सब जानते हैं, चार दिनों तक छठ पूजा का बंगाल में जो है बहुत ही उत्साह देखा जाता है। और सबसे पहले हमारी पूरी टीम की ओर से लाइव कोलकाता के सभी दर्शकों को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि छठ पूजा बंगाल के साथ साथ जो है बहुत ही जगह मनाई जाती है और काफी आस्था का महापर्व इसे कहा जाता है। छठ पूजा को लेकर हमारे जो कलीग हैं, बहुत सारी कलीग हमारी जो है बिहार की रहने वाली हैं, बिहारी हैं, और छुट्टी के बावजूद वो आज हमारे ऑफिस आई हैं और छठ पूजा को लेकर कुछ बातें करते हैं। हमारे ही साथ मेरी एक कलीग है निशा। निशा, बहुत बहुत स्वागत तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि तुम हमारी कलीग हो, और छठ पूजा को लेकर इस वक्त तुम्हारे घर में कैसा माहौल दिख रहा है? हाय सोनी, यही कहना चाहूंगी कि छठ एक ऐसा पर्व है जहां पर पूरा परिवार इकट्ठा होता है, न कि सिर्फ दो जन में, जैसे दिवाली है अगल बगल के लोगों के साथ में मना लिया जाता है, बट छठ खास करके छठ एक ऐसा पर्व है जो यूपी बिहार में पहले मनाया जाता था, लेकिन अब आप देखेंगे कि हर जाति धर्म के लोग मनाते हैं। हमारे घरों में तो दादी, नानी, मौसी, बुआ सब आ जाती हैं छठ के पर्व में। इतना धूमधाम से मनाया जाता है। चार दिन का पहले नहाए खाए होता है, आज खरना है, कल पहला अर्घ है, शाम को दिया जाएगा अस्त होते हुए सूरज को, फिर उगते हुए सूरज को सुबह दिया जाएगा। बहुत ही प्यार से हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। जी बिल्कुल निशा, जिस तरीके से तुमने कहा कि आस्था का महापर्व है, लोगों से बहुत सारी आस्था जुड़ी होती है, जो कि ये एक बिहार, जैसा कि तुमने कहा है कि पहले बिहार झारखंड में बहुत ही प्रचलित था, लेकिन अब जो है विदेशों में भी छठ पूजा जो है बहुत ही धूमधाम से कर किया जाता है। तो मैं निशा तुमसे ये जानना चाहूंगी कि तरह तरह के पकवान के साथ में ये छठ व्रत तो किया जाता ही है। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर छठ पूजा के दौरान आज खरना है और खीर से इसकी शुरुआत होती है, और ठेकुआ भी बहुत टेस्टी टेस्टी ठेकुआ बहुत तरह की बनाई जाती है। तो क्या तुम्हारे भी घर में इस वक्त जो है वो नज़ारा दिख रहा होगा निशा? बिल्कुल बिल्कुल, छठ पूजा जब से शुरू, मतलब शुरू होने के पहले ही लोगों का डिमांड होता है दोस्तों में, घर वालों में, कि भैया फ्रूट या फल देना या मत देना, ठेकुआ जरूर देना, क्योंकि माँ का नाम लेकर, मतलब छठ पूजा का ठेकुआ नॉर्मल डेज में भी आप अगर आप बनाएंगे ठेकुआ तो अच्छा बनता है, बट माँ का बोल कर हाँ छठ माँ का ठेकुआ एक अलग ही स्वाद आ जाता है, उसमें डिमांड रहता है हमको इतना चाहिए, हमको उतना चाहिए। और घर में सच मानिए माएँ और जो भाभियाँ हैं इतनी मेहनत से, इतनी श्रद्धा से बनाती हैं कि उसमें एक अलग ही स्वाद होता है। ठेकुआ मस्त है छठ पूजा में। बिल्कुल, मैं तो इसे ये भी कहने वाली हूँ कि और कहीं दो या मत दो, मेरे लाइव कोलकाता के ऑफिस में मेरे जितने मेरे कैमरामैन जो दिनेश जी शूट कर रहे हैं, और मेरे एडिटिंग रूम में जितने भी मेरे स्टाफ हैं, जितने भी हमारे कलीग हैं, वो सबके लिए निशा ठेकुआ जरूर लेकर आएगी, है ना? और एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि बहुत सारे ऐसे कहावत है कि देखो ना, बिहारी, ये बिहारी वर्ड ऐसा वर्ड है जो सभी समझते हैं कि ये बिहार का है, नहीं नहीं ये बिहार का है। तो इस वर्ड के पीछे क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगता है, या बिहार होना ही अपने आप में बहुत गर्व की बात होती है? बिहार, बिहार वर्ड जब आता है ना, सबको लगता है यार बिहारी है, बिहारी मतलब समझ में नहीं आता, लेकिन मैं तो बोलूंगी आई एम प्राउड टू बी अ बिहारी, मुझे गर्व है बिहारी होने पर। ऐसा कौन सा क्षेत्र है, कौन सा जगह है जहाँ बिहारी नहीं है? और आज लोग जितनी श्रद्धा, आज जैसा हमारा मुद्दा हम जो लेकर आए हैं छठ पर्व का, छठ पर्व अब तो सिर्फ बिहारी ही नहीं मनाते, सारे जाति के लोग मना रहे हैं, कुछ तो खास बात है बिहारी में और बिहार से जुड़ी परंपराओं में। जी बिल्कुल, कुछ तो खास बात है बिहारी में और बिहार से जुड़े परंपराओं में। तो इसी उम्मीद के साथ जो है छठ पूजा को लेकर हमारी लाइव कोलकाता विशेष कवरेज कर रहा है, और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि लाइव कोलकाता का एक कैंप भी बिठता है निशा, जैसा कि हम सब जानते हैं बड़ा बाजार पोस्ता में हमारा लाइव कोलकाता की तरफ से कैंप बिठाए जाते हैं, लोगों की मदद की जाती है, और तो और हमारे भाई बहनों को वहाँ पर सम्मानित किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी जो है छठ व्रत धारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी हमारी पूरी टीम की ओर से, और ये कहना चाहूंगी कि बहुत ही श्रद्धा का पर्व है, आस्था का पर्व है, बहुत ही उत्साह के साथ मनाएं, उमंग के साथ मनाएं, खुशियों का त्योहार है, परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ मनाएं। जी हाँ निशा, और इसी के साथ मैं आप सभी से विदाई लूंगी, और जैसा कि आप जानते हैं सीधे स्टूडियो से मैं यहाँ आई हूँ और निशा से बातें कर रही हूँ। बिहारी, बिहारी को कम मत समझिए, क्योंकि कहते हैं ना एक बिहारी सौ पर भारी।